बाकी जो ट्रेंड्स अभी जा रही है उस हिसाब से मुझे लग रहा है, वैसे भी हम लोगों की क्लासेस खत्म हो रही हैं 31 अगस्त। 31 अगस्त का मतलब ये हुआ कि कल आपकी क्लास होनी चाहिए हम लोगों की। मैं सोच ये रहा था कि हम लोग आज को बदलें आपकी क्लास, ठीक है, और आपकी क्लास में यह है कि मैं आज कुछ क्वेश्चन करवा दूँगा आप लोगों को, और उसके बाद फिर आप लोगों की जो इंटरव्यूज होंगी तो वक्त करते तो हम लोग 20 तारीख को होंगे, ठीक है जी। तो ये एक क्वेश्चन है समर 2011 का है बीएससी का, और इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, ये लीज और बढ़ाया का क्वेश्चन है, इसमें छोटा सा टेक्निकल पॉइंट मजेदार है, उसको डिस्कस करते हैं। ये रिक्वायरमेंट में वो कहता है, evaluate which of the above proposals should be accepted, that is item. In question again, in order to reduce the cost of electricity consumption, SAN Textile Mills Limited has decided to install a gas generator and discontinue the power supply being obtained from the utility company. Okay. The gas generator which would meet their requirement would cost 80 million. The following two proposals are being considered by HIN. Okay, 80 million the gas generator will come, they are saying that their gas generator will be finished and in its place the gas generator will be put. The gas generator is 80 million कॉस्ट है, और बाकी जो इसमें हम लोगों को अभी देखते हैं तो दो ऑप्शन दी होगी, उन दो ऑप्शन में से हम लोगों को चूज करना होगा कोई एक ऑप्शन, तो उसको देखते हैं, ठीक है। कहते हैं ऑप्शन वन में वो कहते हैं ऑफर फ्रॉम ईएल लीजिंग कंपनी लिमिटेड, ईएल की तरफ से ऑप्शन है, और DL has offered a 3-year lease for a quarterly rent of 7.64 million, sorry 7.46 million, payable in arrears. बाद में pay करना है, ये भी अच्छी बात है भाई, और quarterly pay करना है और 3 साल का pay करना है। In addition, HIN would be required to pay a security deposit of 10 million at the time of signing of lease agreement. Generator will be transferred to HIN at the end of the lease term and will be moved against that security deposit. HIN has the fair value of the generator at the end of the lease period is estimated to be 20 million. Operating and maintenance costs for the generator are estimated as follows. Salary of staff की monthly pay हो रही है 0.5 million. लुब्रिकेंट्स एंड फिल्टर ये क्वार्टरली चेंज होते हैं, ये 1 मिलियन है। पार्ट रिप्लेसमेंट ये हाफ ईयरली में होता है और 3 मिलियन है।
और ओवरऑल होती है एक ही दफ़ा ईयर द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर और ये 15 मिलियन। अच्छा एक लीज की ऑफर दी है बियर लीजिंग कंपनी, उसने कहा कि 10 मिलियन में आप हमें अभी दे दें और उसके बाद क्वार्टरली 7.46 मिलियन की लीज दे रहे हैं उसमें और मार्केट लीज को दे रहे हैं। ये जो 10 मिलियन ये देंगे इसके अगेंस्ट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म एसेट उनको मिल जाएगा और एसेट की फेयर वैल्यू जो होगी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म वो 20 मिलियन। डिफरेंट खर्चे उसने बताए हैं कि सर्विस स्टाफ की दे रहे हैं मंथली दे रहे हैं 0.5 मिलियन, लुब्रिकेंट्स जो हैं वो क्वार्टरली जा रहे हैं 1 मिलियन से, पार्ट रिप्लेसमेंट हाफ ईयरली हो रही है 3 मिलियन और ओवरऑल जो होगी वो सेकेंड ईयर में होगी और वो होगी 15 मिलियन। ऑप्शन टू कहता है ऑफर फ्रॉम PUS रेंटल सर्विसेज। अच्छा नॉर्मली हमारे पास लीज और बाय का क्वेश्चन होता है, अभी हमारे पास आया लीज या रेंट पे देने का। ठीक है PUS हैज ऑल्सो ऑफर टू साइन अ 3-year कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू विच HIN would pay quarterly rent of 11 million in arrears. 11 million देने की quarterly rent देना है with a 10% increase in each subsequent year. अच्छा जी देना quarterly है 11 million लेकिन हर साल जो है उसके अंदर increase होगा 10%. The lease rentals would include the cost of maintenance and overhauling of the generator, which will be borne by the PUS. इसे हमारा कोई डालो देख नहीं है, PUS को देना है, हमने सिर्फ रेंट देना है, वो खुद ही करता रहेगा जो भी करना है। It may be assumed that HIN cost of construction is equal to the IRR offered by BIL. अच्छा इसमें मेन पॉइंट यही था कि हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालना है, बाकी भी चीज़ें हैं जो ये वाली चीज़ें हैं उनको भी देखना है, लेकिन वो ये कह रहा है कि BIL जो हम लोगों की लीजिंग कंपनी थी BIL ने जो ऑफर किया है BIL का जो IRR है BIL कंपनी का वो अज्यूम किया जाता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा वो एक सही है जो हमारी है। ठीक है अच्छा जरा इसको एक सेकेंड के लिए आपको भी सोचो कि क्या हो सकता है और फिर हम लोग इस पर सोचो आपको भी अगर मैं ऑप्शन चाहूँगा सॉल्व करने का तरीका होता है एक तरीका यह है कि सबसे पहले मैं IRR निकाल के साइड पे कर लूँ क्योंकि ये IRR है। ठीक है और इसको हम यूज करें दूसरा तरीका जो टेक्निकल तरीका होना चाहिए उसने मांगा क्या उसने प्रपोजल देखी है कि क्या हो जिसको तक हमारे पास आएगा अर्निंग यील्ड मेथड किया तो हुआ है अर्निंग यील्ड मेथड अभी हम कहाँ पहुँचे हुए यहाँ अर्निंग यील्ड पे पहुँच गए अर्निंग यील्ड मेथड में से डिस्कस कर लेते हैं अभी बाद में कौन सा है हमने किया तो है प्राइस अर्निंग रेशो के साथ वाला है ना डिफरेंट नाम होते हैं डिफरेंट कंपनी डिफरेंट किताबों में मैंने आपको जब पढ़ा रहा था बताया था कि चार मेथड होते हैं किसी में कोई नाम दिया होता है बुक में किसी में कोई उनमें तरीका आप देखो तरीका क्या है उसने निकाला क्या ठीक है जहाँ पढ़ा है वो मुझे शेयर करना मैं फिर आपको ठीक है ओके okay. दोनों ऑप्शन मांगी हैं हम ऑप्शन वन पे शुरू करते हैं और ऑप्शन वन है हमारे पास BIL लीजिंग कंपनी BIL लीजिंग कंपनी में अभी हम अपने कैश फ्लो देख लेते हैं जिसके तक हम लोगों का आएगा रेट वो रेट का तो हम रेट देते हैं ठीक है अच्छा इसमें हमारे पास देखें जीरो टाइम के ऊपर एक कैश फ्लो है हमारे यहाँ पे आप यहाँ पे आप कैश फ्लो लिखते हैं ठीक है
यहाँ पे आप टेक्सचर लिखें, कितने परसेंट पे उसकी वर्किंग बनाएंगे हम, और यहाँ पे हम प्रेजेंट करेंगे। जीरो ईयर पे आपकी एक इन्वेस्टमेंट है पहले तो 10 मिलियन, ठीक है, ये तो 10 मिलियन। फिर आप ये देखते हैं कि स्टॉक की सैलरी मंथली है, क्वार्टरली 3 साल, अगर हम मंथली पे जाएंगे तो 3 साल में मेरे ख्याल में 36 पीरियड की एनुटी बनेगी। और कितनी सैलरी है वो एनुटी 0.5। अच्छा ठीक है, सारी की सारी पेमेंट्स ही हैं तो हमें क्या पड़ी है कि हम ये ब्रैकेट में लगा देते हैं, सारी की सारी पेमेंट्स हैं, हम पेमेंट को ही रखते हैं, ठीक है जी। मैंने ये कहा कि उसने ये लिखा था कि मंथली पेमेंट, मंथली पेमेंट है 3 साल तक लगातार होती रहेंगी, तो ये 3 साल की एनुटी है लेकिन 36 पीरियड की होगी, ठीक है। इसी तरह लुब्रिकेंट जो है वो क्वार्टरली है, इसका मतलब ये हो गया कि क्वार्टरली 1 साल में 4 क्वार्टर तो 3 साल में 12 पेमेंट, और ये है 1। अच्छा लीज रेंटल्स तो मैंने लिखे नहीं, लीज रेंटल्स भी हमारे पास 1 से 12 है, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद हमारे पास है पास्ट एंड रिप्लेसमेंट हाफ ईयरली, 3 साल हाफ ईयरली का मतलब है 6 पेमेंट एक जैसी लगातार, तो वो हो गई 3। और ओवरऑल होनी है वो दूसरे साल में होनी है, और वो 15 की है। इसी तरह तीसरे साल में रेजिडुअल वैल्यू मिलनी है हम लोगों को 20 की, इसको माइनस में कर लेते हैं कि ये इंफ्लो है हमारा, बाकी आउटफ्लो है वो हमने पूरे पूरे लिखे हुए थे, ये इंफ्लो था इसको हमने माइनस में कर दिया। लेक्चर चाहिए अब तो अब हम अपनी वर्किंग प्लान बना सकते हैं। जैसे कि हम लोगों का कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो होगा जो पी एल का 11 होगा। अच्छा पी एल क्या कमा रहा है हम ये देख सकते हैं, पी एल इस सारे में जाहिर बात है ये वो कंपनी है जो जनरेटर प्रोवाइड करेगी, तो जाहिर बात है उसने 0 टाइम के ऊपर वो जनरेटर खरीदा होगा, ऐसा ही 80 में उसने वो जनरेटर खरीदा होगा, और 10 मिलियन तो एस आई एन ने उसे दे दिए होंगे ये वाले, ठीक है। तो 10 उसको मिल गए वापस, इसका मतलब है 0 टाइम के ऊपर उसकी जो कैश फ्लो बन रही है वो 70 मिलियन की बन रही है, ठीक है। और इसका फैक्टर ढूंढना है अभी हमने, ये तो बन ही होगा, और प्रेजेंट वैल्यू देखनी है ये जरूर। इसको एक से लेके और कितनी क्वार्टरली मिलनी है, तो क्वार्टरली होंगी हमारे पास 4 और 3 ईयर्स में 12, 7.46 है, और यहाँ पर पता नहीं क्या आएगा हमारे पास। IRR निकालने के लिए हमें ये पता है कि NPV 0 होनी चाहिए, और NPV तभी 0 होगी जब यहाँ पर भी 70 होगा। यहाँ पर 70 करने के लिए समथिंग मल्टीप्लाई बाय 7.4 समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग, ये 70 होना चाहिए। तो ज़रा देखें यहाँ पर हमारे पास क्या अमाउंट बनती है, तो फैक्टर क्या है, फैक्टर हमारे पास बनता है कि 9.383। अब 9.383 आप लोग अपने एनुटी टेबल में देखते हैं कि हमारे पास 12 पीरियड में, जहाँ पर ईयर्स लिखे होते हैं ना, 12 पीरियड में किस परसेंटेज के नीचे 9.383 आ रहा है,
का ये मतलब होगा कि हमने उस परसेंटेज पे 12 साल के लिए ये सकते हैं। जरा देखें क्या आ रहा है मैच में, क्योंकि हम लोग यहाँ से एनओसी केबल न्यू भी देते हैं, ठीक है। हमारे पास मतलब हो गया कि हमारा इनका IRR 4% है, यानी IRR फॉर ईयर इज 4% क्वार्टर। क्वार्टर से इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये क्वार्टरली पेमेंट, और आप ये भी कह सकते हैं 16% एनुअल, सही होगा ना। 4% अगर क्वार्टर भी है तो 4 × 4 = 16% एनुअल। तो अब हम जिस पीरियड के लिए ले रहे हैं उसके हिसाब से हम फैक्टर्स देखते रहते हैं। ये जो क्वार्टरली फैक्टर है 12 वाला, वो तो 9.383 ही आएगा, ये 9.383 ही आएगा, ये भी 9.383 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम फैक्टर भी लिख लेते हैं, वो मैं आपको बाद में लिख दूंगा रेट से, बल्कि पहले लिख लेते हैं। ये है हमारे पास मंथली, ठीक है। अगर हमारा फैक्टर 16% है एनुअली, तो मंथली क्या होगा, 16 / 12 1.333% आता है। तो आप यहाँ पर लिख दें कि ये मैंने 1.333% पे देखना है, ये वाला क्वार्टरली पेमेंट है ये 4% पे इसका फैक्टर निकलेगा, 4% पे निकलेगा। मैं अपना फैक्टर चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कैश फ्लो के हिसाब से उतना कर रहा हूँ, उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये हाफ ईयर भी है, इसका मतलब है 8% हो गया, क्वार्टर का अगर 4 है तो हाफ के लिए, और ये है तो ये 16% होगा, और ये भी 16%। इनके ऊपर हम लोगों को फैक्टर्स नहीं है, ठीक है। तो 1.333 को भी देख सकते हैं, आप भी देखें क्या बनता है, मैं देखता हूँ। क्या आ रहा है हमारे पास, मेरे पास आता है 28.4, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह अगर मैं 1% से देखूँ तो 1% से है 8 और
अच्छा जी, 15% पे देखते हैं, 15% पे सेकंड ईयर के एंड पे 1.164-2 या आपके पास बन रहा है 0.7%। और 3 साल के बाद ये बन रहा है 0.625। अब इसको सॉल्व कर लें और ये हमारे पास आएगा 70 पॉइंट समथिंग बन रहा है। ठीक कर रहे हैं अपना 9 ले लो। जी सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था, चले वापसी हो गई। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह, मुझे याद पता नहीं आप लोग कहाँ थे अभी, यहाँ तक वो किया तो मुझे पता है, मैं आगे चलता हूँ। अभी हम लोगों को ये मल्टीप्लाई करना होगा 1.9838 के साथ, तो ये भी हम लोग चले राउंड ही कर रहे हैं तो 9 ले लेते हैं। फिर 7.46 मल्टीप्लाई बाय 9.383 और ये हमारे पास बनेगा तकरीबन 70 पॉइंट समथिंग बन रहा है, हम 70 देखते हैं। फिर ये जो 6 महीनों की है, मतलब 6 महीनों की नहीं, क्वार्टरली पेमेंट है 3 रुपये की, 3 मिलियन की, ये है हमारे पास फास्ट रिप्लेसमेंट, 60 मल्टीप्लाई बाय 4.623, ये आपके पास बनते हैं तकरीबन। इसी तरह 15 मल्टीप्लाई 0.731 ये बनेंगे तकरीबन 11, और 20 × 0.625 ये बनते हैं तकरीबन 13। ये आपके पास सेवन वैल्यूज आएंगी और अब आप इनको जब टोटल करते हैं तो टोटल में आपके पास बनेगा 10 + 15 + 9 + 70 14 + 11 - 13, ये तकरीबन 115 मिलियन की पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे इसको माइनस करने के लिए, ये आपकी 115 मिलियन की पेमेंट कर रहे हैं, ये है आपकी लीजिंग ऑप्शन। सेकेंडली आपके पास जो ऑप्शन है ऑप्शन टू है आपके पास रेंट वर्क, ऑप्शन टू जो रेंट वर्क है, इस ऑप्शन टू में बात क्या करेंगे पढ़ लेते हैं। क्या वो ये कहता है 11 मिलियन या क्वार्टरली रेंट देना है और 10% इंक्रीज करेगा 1 साल के बाद, ठीक हो गया। तो आप ये कहते हैं कि रेंट है, चले हम ऐसा कर देते हैं कि तो चार, ये 1 साल की पेमेंट हो गई, 5, 6, 7,
दूसरे साल हो गया, 9, 10, 11 और ये दिक्कत है। हमारी पहले साल है 11 मिलियन और 11 मिलियन। अगला साल, पहला ये साल के 4 क्वार्टर 11 मिलियन, सेम 10% इंक्रीज होने ईयरली, यानी कि अब अगले साल 11.1 मिलियन। और फिर उससे अगले साल 11.1 मिलियन के बाद, सॉरी 11.1 नहीं आएगा, 11 और 1.1 होगा ना, तो 12.1 होगा, 12.1 आना चाहिए। ठीक है, 12.1 और इसमें 2.1 और ऐड कर दें अगर, तो ये आपके पास 10% पर इसका और आप ऐड कर दें, 1.21 ऐड कर दें, तो ये बनता है 13.21। ये 13.31 के बाद अब हम इससे फैक्टर लगाएंगे और ये है आपका रेंटल और आपका फैक्टर लगना है, और कुछ है ही नहीं, एट 4%, क्योंकि क्वार्टरली पेमेंट है, यहाँ पे फिर हम 4% लेंगे। और अगर आप टेबल में देख लें तो जल्दी से टेबल में ही देख के मैं देख लेता हूँ, 0.99, 0.99, 0.85, 0.82, 0.790, 0.760, 0.731 0.703, 0.676, 0.650 और 0.625। अब हमारे पास है एक प्रेजेंट वैल्यू, ये बात तो बनेगी 10.58, 11 मल्टीप्लाई बाय 0.925 बनेगी 10.18, 11 मल्टीप्लाई बाय 0.899 ये बनती है 9.78, ये फिर 9.41, 12.1 × 6, 7.6, 9, 8.65 or 8.0. इसको ऐड कर देते हैं 10.58, 9.78, 9.1 जी, ये हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू बन रही है 112.82। तो कंफ्यूजन क्या है इस क्वेश्चन का,
या रिकमेंडेशन क्या है आपकी? आप कहते हैं कि उस पर 114 आ रहा था ना मेरे ख्याल में, 115 रेंट ऑप्शन इज बेटर एज इट एज कितना 115 माइनस 112.84 2.16 million of less cash flow out, cash out process, and lever. Therefore, tenth option should be selected as this will increase shareholders' wealth by these 2.16 million in 3 years. आपको कंफ्यूजन चलो क्वेश्चन को आप एक सेकंड देखें, कोई क्वेश्चन है जैसे जी, कोई क्वेश्चन इसके बारे में है तो बताइए। इसका मतलब करेंगे कि हम आज के लिए नहीं करेंगे Thank you.
डिस्कशन को भी पढ़ के देख सकते हैं ये क्या रिक्वायर कर रहे हैं हमारे से। कहते जी मेक अप्रोप्रिएट कैलकुलेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। मेक अप्रोप्रिएट कैलकुलेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। पहली सिचुएशन है अज्यूमिंग द राइट इश्यू ऑफ द शेयर इज मेड कैलकुलेट थ्योरेटिकल एक्सराइज प्राइस ऑफ एन ऑर्डिनरी शेयर फॉर वैल्यू ऑफ द प्राइस। ठीक हो गया। अज्यूमिंग द मार्केट इज स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंट एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट न्यू प्रोजेक्ट वुड जनरेट पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिर कैलकुलेट द हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से मिस हो गया लेकिन यहाँ पर भी मेरे ख्याल में देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है तेरा। कैलकुलेट द कर्व कैलकुलेट करने का कह रहा है कि अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग फॉर्म है और एफिशिएंट और अगर 96 मिलियन आप अगले साल कमा रहे हैं तो फिर हम क्या बनाएंगे। ठीक है तो तीसरे में कह रहा है अज्यूमिंग दैट द न्यू प्रोजेक्ट विल इंक्रीज द कंपनीज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फॉर द नेक्स्ट ईयर बाय 10% कैलकुलेट द प्राइस ऑफ एन ऑर्डिनरी शेयर इन वन ईयर टाइम और प्राइस चाहिए अंडर ईच ऑफ द टू फाइनेंशियल ऑप्शन सर कर लेते हैं क्या। ठीक है क्वेश्चन करते हैं। द डायरेक्टर ऑफ पीएसडी इंजीनियरिंग लिमिटेड इज लिस्टेड कंपनी आर प्लानिंग टू रेज 100 मिलियन फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट। एक नए प्रोजेक्ट के लिए वो 100 मिलियन रेज करना चाह रहे हैं। वे आर कंसीडरिंग टू पॉसिबल ऑप्शन फॉर फंड रेजिंग। The first is to make a 2-for-5 right issue. 2-for-5 right issue का मतलब कितने already shares इनके हैं हर 5 के बदले में 2 shares right issue में होता है। The shareholders who have 5 shares with them have a right to have 2 more shares. ऑर्डिनरी शेयर प्राइस एट 12.5 की उन्होंने राइट की प्राइस 12.5 रखी है। द सेकेंड ऑप्शन इज टू इशू 9% टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट एट कॉस्ट रिड्यूसेबल इन 20%। दूसरी ऑप्शन वो ये दे रहे हैं कि 9% के आप टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट देते हैं जो कि 2020 में रिपीट। Following information has been extracted from the financial statements of PSD for the year ended 31st March 2000. The issued ordinary shares 10 रुपए का एक है 200 मिलियन यानी कि 20 मिलियन शेयर्स हैं 200 मिलियन इक्विटी है इक्विटी नहीं शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग 390 की तो टोटल हो गया 590 और 10% टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट ऑलरेडी है रिपेबल इन 2012 350 के तो 9%। The shares of the company are currently traded at 16 per share. The profit before interest and tax of PSD for the year ended March 31st is 95 million. Okay, the fact is that the right issue will not affect PSD's current price earning ratio. Right issue se price earning ratio aapki same rahegi. However, the issue of PSD will result in fall in price earning ratio by 20%. अच्छा फिर प्राइस अर्निंग रेशियो 20% कम हो गई। अच्छा इसका वैल्यू निकालने का क्या है इशू और प्राइस अर्निंग रेशियो दिया तो मेरे ख्याल में फिर ये प्राइस अर्निंग रेशियो और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो जो है उससे निकालना चाह रहा है ये प्राइस अर्निंग रेशियो। हम लोग अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई बाय प्राइस अर्निंग रेशियो कर सकते हैं वैल्यू निकालने के लिए हम उस तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा Thank you.
हमारी तरफ कुछ लाइट का इशू बन रहा है बारिश की वजह से, और ये फ्लक्चुएशन आ रही है। अभी मुझे नहीं पता कितनी देर तक लास्ट बार कितनी देर तक कर सकते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर वो उसने ऑप्शन दी टर्प निकालने का, कह रहा है थ्रेटिकल एक्सरसाइज प्राइस हम लोग निकाल सकते हैं। हमें पता है टर्प आप लोग डिफरेंट तरीकों से टर्प निकाल सकते हैं। फिलहाल जो हमारे पास हैं हम ये करते हैं कि ओल्ड शेयर मार्केट मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस प्लस राइट इशू मल्टीप्लाई बाय राइट प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड शेयर प्लस राइट इशू अपने। अच्छा, तो मेरे पास पुराने शेयर्स हैं 20 मिलियन मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस उसने आपको बताई थी करंटली ट्रेडिंग 16 पर शेयर या 15। राइट इशू कितना बचा 20 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 सही है, नहीं सर मल्टीप्लाई बाय 2 245 है ना, या 245 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 और ये मल्टीप्लाई बाय नई प्राइस 950। प्राइस हम लोग निकाल लेते हैं। पता है टर्प आप लोग डिफरेंट तरीकों से टर्प निकाल सकते हैं। फिलहाल जो हमारे पास हैं हम ये करते हैं कि ओल्ड शेयर मार्केट मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस प्लस राइट इशू मल्टीप्लाई बाय राइट प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड शेयर प्लस राइट इशू करने का। अच्छा, तो मेरे पास पुराने शेयर्स हैं 20 मिलियन मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस उसने आपको बताई थी करंटली ट्रेडिंग 16 पर शेयर या 15। सर राइट इशू कितना बचता है 20 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे ही है, नहीं सर मल्टीप्लाई बाय 2 245 है ना, या 245 तो मल्टीप्लाई बाय 2 और ये मल्टीप्लाई बाय नई प्राइस 12.5। ये वैसे 20 डिवाइड बाय 5 या 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 बनते हैं। हम यहाँ पर सिंपल 8 भी लिख सकते थे और ओल्ड शेयर 20 और राइट शेयर 8 28। इसको सॉल्व करके देखें16 का बनता है थ्योरेटिकल एक्सरसाइज का, ठीक है। ये हम कर रहे हैं एक बार और उसका ऑप्शन का, ये 15 बनते हैं हमारे पास एक्सप्राइज। उसके बाद उसने कहा कि वैल्यू ऑफ द राइट, वैल्यू ऑफ द राइट भी आपको पता है एक्सप्रेशन का। आप करते हैं टर्प माइनस राइट प्राइस, टर्प आपके पास है 15, राइट प्राइस आपके पास 12.5, तो ये आपके पास 2.5 पर राइट आएगा। ठीक है, 2.5 पर राइट आ गया। अगर आप अपना शेयर भी निकालना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं वैल्यू पर शेयर, अगर आप निकालना है एक शेयर के ऊपर हमें राइट क्या वैल्यू बन रही है तो 2.5 डिवाइडेड बाय 5 शेयर के बदले में ये आपको मिलेगा। तो प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 5
के 0.5 के करीब है पर शेयर, ठीक है जी। ये आपके पास सर्व बनी, अभी ये टू नहीं है, ये बस अच्छा। सेकंड में कहते हैं ज्यूमिंग द मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ लेबर, ठीक है जी। ये आपके पास कर्व बनी, ये टू नहीं है, ये बस ऐसे। अच्छा सेकंड में कहते हैं ज्यूमिंग द मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंट। अच्छा स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंट होती है जब मार्केट, ये हमने मार्केट के प्रोसेस चेक करे थे, उसमें वो थी वीक फॉर्म, और वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट ये होती है प्रोसेस के कोई भी छोटा से छोटा चेंज जो होता है आपकी कंपनी के अंदर, कोई भी डिसीजन मेकिंग जो होती है वो मार्केट में जितने इन्वेस्टर होते हैं उनको वो इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ होता है, यानी उनको फौरन पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। तो अगर जहाँ पर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन तेज़ है और ये पता है कि अगले साल वो 96 मिलियन कमा लेगी, तो जाहिर बात है प्राइस इसको भी अकाउंट कॉल करेगी, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास क्या क्या था, मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड शेयर वो हमारे पास बन रहा था 20x16 ये कुछ की 20 कर रहे थे, बल्कि हम बोलिए 20x16 प्लस 1x12.5 प्लस ये 96 मिलियन भी हम लोगों के पास था और डिवाइडेड बाय 28, तो क्या होगा हमारे पास ये आपका 420 और 18.43 बनते हैं। आगे करते हैं, आगे हमारे पास आ रहा है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में वो अनुसार थर्ड ऑप्शन, अज्यूमिंग दैट द न्यू प्रोजेक्ट विल इंक्रीज द कंपनी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फॉर द नेक्स्ट ईयर बाय 10% ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा इसके लिए हम लोगों को ठीक है, हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो है 95। नेक्स्ट ईयर हम दोनों ऑप्शन में देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है ऑप्शन 1 राइट इशू वाली और ऑप्शन 2 में हमारे पास है टीएफ। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या है, 95 × 1.1 ऐसे ही है, 10% इंक्रीज है ना उसमें, 95 × 10% क्या बनता है हमारे पास 105 × 1.1 और यहाँ भी बनेगा 104.5, ठीक है। फिर हम देंगे इसमें से इंटरेस्ट, फिल हॉल हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास है 10% टी एस टी 350 है, तो 10% तो 45 इंटरेस्ट करता है, तो हमने 45 का इंटरेस्ट किया, पहले ये वाला सॉल्व कर देते हैं, 45 का इंटरेस्ट दे देते हैं, क्या होगा बनेगा 69.5। Okay.
हमने हाईलाइट नहीं किया ना इसकी नजर से 35% टैक्स है हमारे पास 35% 24.325 और आपका टैक्स बनेगा हमारे पास 45.1 अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर आपको पता है कि हम लोगों ने राइट इशू किया हुआ है तो राइट इशू में हमारे पास नंबर ऑफ शेयर है 28 तो 45 अर्निंग पर शेयर को प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस अर्निंग रेशियो करंटी है और करंट प्राइस अर्निंग रेशियो अगर हमें नहीं दी हुई तो हम लोगों को निकालनी पड़ेगी मेरे ख्याल में निकालनी ही पड़ेगी ठीक है इसके लिए हमें जो वर्किंग और ये वर्किंग टू है प्राइस अर्निंग करंट प्राइस अर्निंग में हमारे पास EBIT है 95 इससे हम लोगों ने इंटरेस्ट देना है 35 ये हमारे पास बनेगा इसके ऊपर आएगा 10 45% अर्निंग आफ्टर टैक्स आई आपके पास वो है 20 तो फाइनल पर शेयर से अगर हमारे पास अर्निंग है पर शेयर 1.95 तो ये है 8.21 और उसने कहा था कि अगर राइट इशू हुआ तो प्राइस 2
और उसने कहा था कि अगर राइट इशू हुआ तो प्राइस टर्निंग हमारी सेम रहेगी 8.1। अच्छा, अब अगर आप वैल्यू चाह रहे हैं जो उसने हमारे से मांग, तो प्राइस टर्निंग हमारी सेम रहेगी 8.1। और उसने कहा था कि अगर राइट इशू हुआ तो प्राइस अर्निंग हमारी, और उसने कहा 8.21। और उसने कहा था कि अगर राइट इशू हुआ तो प्राइस अर्निंग हमारी सेम रहेगी 8.21। अच्छा, अब अगर आप वैल्यू देखना चाह रहे हैं जो उसने हमारे से मांगी है कि वैल्यू क्या है, तो वैल्यू कैसे निकाले गया था, प्राइस अर्निंग मल्टीप्लाई बाय अर्निंग पर शेयर, तो 1.65 मल्टीप्लाई बाय 8.2 का ये आपके पास 13.22, ये आपके पास आंसर आ रहा है आपकी वैल्यू का। अगर आप सी एस पी यूज करते हैं तो फिर सबके शेयर की प्राइस पर इंटरेस्ट आपका 135 और दूसरा जो नए वाले इशू किए हैं 100 मिलियन के 9% पे इनका 9 हो जाना था, तो 35 और 9 आपके पास बनने से 34। जब आप 44 माइनस करते हैं तो आपके पास 60.5 बच रहा है, उसके ऊपर आप टैक्स लगाएंगे 60.5 के ऊपर, ये आपके पास आएगा 21.2 या 21.18 ही कर लेते हैं, और अर्निंग आपको टैक्स आपके पास आ रहा है 39.3। ठीक है जी, नंबर ऑफ शेयर चूचे आपने राइट इशू नहीं किया तो 20 है, और नंबर ऑफ शेयर अगर 20 है तो आपके पास आपकी अर्निंग पर शेयर करो तो 1.97 अर्निंग पर शेयर। आपकी प्राइस अर्निंग है, तो उसने कहा था कि अगर आप सी एस पी करेंगे तो फॉल इन प्राइस अर्निंग रेशियो बाय 30%, तो आपकी 30% प्राइस अर्निंग रेशियो कम हो जाएगी, तो 8.21 का 70% ले लें या 8.21 में से 30% माइनस करते हैं तो ये 5.74 आ रही है। ये हमारे पास वैल्यू हुआ। Thank you.
हमने अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई बाय प्राइस अर्निंग रेशियो करके हम लोगों ने शेयर की प्राइस भी निकाला। अच्छा, अब इसे करना है और करें तो अर्निंग पर शेयर कहाँ पर ज़्यादा हो रही है, इधर ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो हम लोगों को बेहतर तो यही नज़र आता है कि अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है, तो आप ये सी एस सी से कर लें, प्राइस से ना करें। लेकिन डिस्कशन जब आप कर रहे होंगे तो आपने दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली बात तो हम अर्निंग पर शेयर से बात कर सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर जरूरी। दूसरी लेवल पे आप लोग अपनी लीवरेज की बात कर सकते हैं या आप अपना डेट टू इक्विटी की बात कर सकते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो की बात कर सकते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो में होगा क्या कि जब आप पी एफ सी करेंगे तो आपका डेट इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या ये ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा तो नहीं जा रहा डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है। क्या आप डेट इश्यू कर सकते हैं, और ज़्यादा डेट अगर आप इश्यू करेंगे फिर से होगा क्या कि डेट इश्यू करने की वजह से कंपनी रिस्की हो जाएगी, और कंपनी रिस्की हो जाएगी तो प्राइस जो है उनका जो शेयर होल्डर्स हैं उनका रिक्वायर्ड रिटर्न बढ़ सकता है, प्राइस कम हो सकती है मार्केट में। तो राइट इशू एक अच्छी ऑप्शन बनती है, तो इतना ज़्यादा फर्क भी नहीं है, पॉइंट्स में फ़र्क है। अर्निंग पर शेयर पे, अर्निंग पर शेयर पहले यहाँ पे 1.60 रुपये की दो रुपये, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ठीक है। मार्केट में प्राइस यहाँ से बढ़ रही है, ठीक है जी। तो इस तरह से डिस्कशन करते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा है, मैंने कहा एक जॉब का क्वेश्चन भी कर सकते, ठीक है जी। एक और हम लोग ट्राई कर सकते हैं अभी क्वेश्चन, जैसे बड़े घर में फुल जो है सब्सक्रिप्शन एक सेकेंड जरा मुझे दीजिएगा। अभी हम देखते हैं अपनी बार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, हमारे पास मैंने एक और क्वेश्चन भी निकाला हुआ है, वो है समर 2015 में। अच्छा, ये है वर्किंग कैपिटल समर 2015। ओके, ऐसा करें हम, क्योंकि मेरे पास आज आप लोग कुछ मुझे इस तरह जवाब ही नहीं दे रहे हो, अटेंडेंस भी बहुत कम है, आप लोग बस ऑनलाइन लेक्चर भी देखने में लगे हुए हो अभी इसके बाद, कि क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को मैं कल सॉल्व कराऊंगा, और अब कल हम लोग अगर क्लास करेंगे तो कल मैं सिर्फ आप लोगों की क्यूरीज लूँगा, ठीक है। आप लोग कोई क्वेश्चन आप लोगों के जेन में हो, कोई परेशानी हो, आप लोगों ने कल मेरे से डिस्कस करना है, ठीक। आज मैं फिर क्लास यही एंड कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग की पार्टिसिपेशन नहीं है बिल्कुल। तो हम लोगों ने दो क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, वो है समर 2015 और वो पी एस सी में से है, और क्वेश्चन नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है अल्ट्रा कंफर्ट फुटवेयर वाला, क्वेश्चन नंबर 5 अल्ट्रा फुटवेयर वाला वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन है, आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश, ठीक। कल हम शेयर करेंगे, कल हम लोग देखेंगे इसी क्वेश्चन को
और कल हम लोग कोई क्यूरीज किसी किस्म की होंगी तो उसको हम लोग एड्रेस करेंगे, रह गया है तो बताएंगे, मैं कोई और सजेशन देख लूँगा कैसे करना है, तो फिर अब बाकी हम लोग करेंगे कल, ठीक है जी। चलें, कुछ क्वेश्चन कोई परेशानी है तो मुझे बताएं, मैं आपको जी कोई क्वेश्चन अभी जेल में है तो बताएं, वरना हम फिर हम आज का सेशन क्लोज कर रहे हैं। चलो ठीक, ओके, हम लोग फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।